आइए देख लेते हैं कल की वीडियो के कुछ कमेंट। सबसे पहले हम टीजर वाली वीडियो के कमेंट देख लेते हैं। आसिफ खान ने कमेंट कर दी, मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। तो हम सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। बाजी अम्मो ने इमोजी शेयर किए हैं। वर्षा तिवारी ने कमेंट किया, टीजर इतना अमेजिंग है तो सॉन्ग कितना प्यारा होगा, सो एक्साइटेड। हाँ तो बिल्कुल सही कहा आपने वर्षा, मुझे भी ऐसा लगता है कि सॉन्ग काफी ज्यादा प्यारा होगा। नजरीना लश्कर ने कमेंट किया, आई एम सो हैप्पी। सोनिशा ने कमेंट किया, टीजर बहुत ज्यादा अच्छा है पर मेरे बात सुना कि पीहू दीदी का मिला दे सोहक को। मुझे लगता है कि पीहू दीदी कब भी चली जाती हैं, एनी टाइम मिला दे, उनको कुछ काम नहीं है क्या? मिला दो हमारे सोहक को, वो दिन कब आएगा कि हम लोग देखेंगे सोहक को टुगेदर। सरस्वती ने कमेंट किया है, मेड फॉर ईच अदर सोहक। रेशमा खातून ने कमेंट किया, आई एम वेरी हैप्पी बट सोहक आ जाए बस। तो हाँ गाइस, बस एक दिन बचा है सॉन्ग में, कल तो सॉन्ग आ ही जाएगा। अभी तक तो मोहक एंड सुरभि ने इस पर कुछ नहीं कहा है, सिर्फ पोस्टर रिलीज किया है एंड टीजर भी अपने इंस्टाग्राम पर रिलीज किया है, बट इसके बारे में उन्होंने खुद अपने मुंह से अभी तक कुछ नहीं कहा है। मैंने कमेंट किया, दी मुझे ये टीजर देखकर बहुत खुशी मिली और सॉन्ग के साथ सोहक भी आएगा। तो बस गाइस, अब एक दिन ही बचा है, हमें कुछ घंटों का ही वेट अप करना होगा। मुन्नी रजा ने कमेंट किया, टीजर बहुत ही प्यारा है, सॉन्ग भी बहुत प्यारा होगा, बट हमें तो हमारा वो सोहक वापस चाहिए जो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाता था, साथ में कितने खुश रहते थे। पॉम्पी बर्मुडाई ने कमेंट किया है, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस सॉन्ग एंड सी अवर सोहक, और बहुत ही प्यारा टीजर है। तो हाँ गए, सभी यही उम्मीद लगा रहे हैं कि सॉन्ग के साथ हमारे सोहक भी वापस आ जाए। क्या पता सॉन्ग के प्रमोशन के लिए कुछ तो बोलना ही होगा इन्हें, या कुछ तो बोलेंगे, या फिर देखना होगा कि टीजर की तरह सिर्फ सॉन्ग भी रिलीज हो जाएगा, इन्हें कुछ नहीं बोलेंगे। किशु मारी ने कमेंट किया, आई एम हैप्पी, थैंक्स फॉर अपडेटिंग दीतू, अब बस जल्दी से सोहक साथ में आ जाए, सॉन्ग के प्रमोशन कर दे, फिंगर क्रॉस्ड। तो आई विश एंड आई प्रे कि ऐसा ही हो, फिंगर क्रॉस्ड। रुकैया ने कमेंट किया, वाओ, इन इमोजी शेयर किए हैं। श्रुति ने कमेंट किया, आई एम सो हैप्पी दी, बहुत ही प्यारा टीजर लगा। तो हाँ श्रुति, मुझे भी काफी ज्यादा प्यारा लगा टीजर। दिया ठाकुर ने कमेंट किया, आई एम वेरी हैप्पी। प्रतीक्षा ने कमेंट किया, कमेंट वीडियो अपलोड करो, वेटिंग फॉर अपलोड कमेंट वीडियो। तो हाँ गाइज, मैं कल कमेंट वाली वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। एकता ने कमेंट किया, आप सुरभि के फैन हो या मोहक के या फिर सोहक के? तो आतिश नरवाड़े ने इनको रिप्लाई किया है, सोहक के। एंड अगर एकता आप मुझसे पूछ रही है तो मैं आपको बता दूं, मैं मोहक की भी फैन हूँ, सुरभि की भी एंड सोहक की भी। अंकिता शर्मा ने कमेंट किया, मैं बहुत खुश हूँ इस सॉन्ग से क्योंकि सुरभि दी एंड मोहक भाई इस सॉन्ग में आपस में मिल जाएंगे, आई एम सो हैप्पी। एकता ने कमेंट किया, हेलो सिस्टर, तो हाय एकता, कैसी हैं आप? अनिता धकाते ने कमेंट किया, आप कमेंट वीडियो अपलोड करो प्लीज, सोहक वेटिंग फॉर कमेंट वीडियो। मैंने कमेंट किया, दी मुझे तो ये टीजर देखकर बहुत खुशी मिली और सॉन्ग के साथ सोहक भी आएगा। सबानाज ने कमेंट किया, सेम टू यू। प्रिया बल्होत्रा ने कमेंट किया है, पीहू तो बहाना है, मोहक से मिलने के बाद वो पीहू के घर जाती है, बस बी पॉजिटिव गाइस। विनोद कुल्लू ने कमेंट किया, सुपर। शाहनवाज गोलू ने कमेंट किया, आई एम सो हैप्पी। PKSMS ने कमेंट किया, आप सोहक एक्स हेवन से पूछो ना कि क्या सच में सोहक का ब्रेकअप हो गया है। तो इस पर मुन्नी रजा ने रिप्लाई किया है, सच बताऊं किन्हीं से पूछने में भी डर लगता है कि कहीं वो ये ना कह दे कि सोहक का ब्रेकअप हो गया है। तो गाइज, मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि अभी सोहक के फैन पेज सोहक के काफी ज्यादा एडिट साथ में बना रहे हैं, आपस में शेयर भी कर रहे हैं। एंड यहाँ मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आप लोग किन्हीं से जाकर पूछिए ताकि हमें सच का पता चल सके, एंड क्या पता हो सके कि हमें कोई गुड न्यूज मिल जाए। आशा दे ने कमेंट किया, थैंक यू दी, मेरी क्यूट क्यूट दी, वो लव यू सोहक। तो थैंक यू सो मच आशा। सूरज आठौर ने कमेंट किया है, वेरी नाइस। मानी पुरेती ने कमेंट किया, हाय दी, तो हेलो मानी, कैसी हैं आप बताना। पॉम्पी बर्मुडाई ने कमेंट किया, मिस यू सोहक, प्लीज कम बैक सोहक। मुन्नी रजा ने कमेंट किया, सबर का फल मीठा होता है, हम सोहक फैंस 5 मंथ से सबर कर रहे हैं, गौर से बस यही प्रे है, फल के रूप में हमें हमारा सोहक हमेशा के लिए वापस दिला दो। रिया रिया ने कमेंट किया, इतने दिन ये कभी अलग नहीं रह सकते थे। रिया रिया ने अगला कमेंट किया, इनका ब्रेकअप हो चुका है, मान लो बात को। इकरार कसा ने कमेंट किया है, थैंक्स मैम, आई एम जूनी। तो हेलो जूनी, काफी दिनों बाद आपने कमेंट किया है, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा आपका कमेंट देखकर। बीवादास ने कमेंट किया है, प्लीज भगवान मिला दो उन दोनों को। निशा प्रजापति ने कमेंट किया, दी मुझे लगता है कि लास्ट स्नैप में सुरभि दी ने मोहक से रिलेटेड कुछ बोला था, शायद इसीलिए वो साउंड उन्होंने म्यूट कर दिया था, आपको क्या लगता है? तो निशा, मुझे भी वहाँ पर ऐसा लगा था कि सुरभि ने ऐसा तो कुछ बोला है, इसीलिए उन्होंने उस साउंड को म्यूट किया था। आशिफा मिर्जा ने कमेंट किया, दी मैंने सब्सक्राइब की है और लाइक भी करती, मैं आपकी वीडियो को लाइक करती हूँ, तो थैंक यू सो मच आशिफा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करती है, आपने सब्सक्राइब भी किया हुआ, थैंक यू सो मच अगेन। आसिफ खान ने कमेंट किया, दी बस ये दोनों जल्दी से मिल। नम्रता ने कमेंट किया, प्लीज रिप्लाई, तो हाय नम्रता, कैसी हैं आप? जूनी ने कमेंट किया, अस्सलाम वालेकुम मैम, आप कैसे हो? तो वालेकुम अस्सलाम जूनी, मैं अच्छी हूँ, आप बताना आप कैसी? जिंटू पटवारी ने कमेंट किया, दी हमने हिंट बहुत ले ली,
पिछले 5 महीने से काफी सारे हिंट ले लिए बट उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। सो खुशी उसी दिन होगी जिस दिन वो दोनों साथ में आएंगे। तो बिल्कुल सही कहा आपने, एंड हमें असली खुशी तभी होगी जब हम इन दोनों को साथ में देखेंगे। किरण केशवाला ने कमेंट किया सो क्यूट सोहक। पॉम्पी बर्मुडा ने कमेंट किया मिसेस सोहक प्लीज कम बैक सोहक। नीलू सिंगरौल ने कमेंट किया मुझे नहीं लगता कि सोहक आएंगे। वर्षा तिवारी ने कमेंट किया कैसे कैसे क्वेश्चन करते हो, सुरभि क्यों फास्ट रखेगी। तो ये करवा चौथ वाली वीडियो का कमेंट है। अनम ने कमेंट किया थैंक्स दी अपडेट देने के लिए। तो वेलकम अनम एंड थैंक यू सो मच आपको कमेंट करने के लिए। नो नेम स्क्वाड ने कमेंट किया दी सुरभि मोहक अपने सॉन्ग के प्रमोशन के लिए जरूर आएंगे। तो गाइस इस चीज को लेकर हमें कुछ भी वेट नहीं करना पड़ेगा, बस एक दिन का वेट करना पड़ेगा। कल तो सॉन्ग आ ही रहा है तो हमें पता चल ही जाएगा। श्रुति ने कमेंट किया प्लीज कम बैक सून। शेख मिसबा ने कमेंट किया है दी मुझे लगता है कि सोहक के बीच सॉन्ग की वजह से ही झगड़ा हुआ है, क्योंकि सॉन्ग आने के बाद से ही इन्होंने साथ में वीडियो बनाना बंद किया था। बाय द वे मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम गुजरात। तो थैंक यू सो मच सबसे पहले तो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। एंड रही बात की सॉन्ग के टाइम पर झगड़ा हुआ था, तो सॉन्ग के टाइम पर तो मुझे नहीं लगता कि झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद ये मौज बेस्ट कपल अवार्ड को लेने भी साथ में गए थे। एंड उसके बाद भी इन्होंने लूसी दास अधिकारी ने कमेंट किया जरूर आएगा सोहक। किशु माली ने कमेंट किया दी जब से सोहक के सेकंड सॉन्ग का पोस्टर देखा है तब से लेकर दी मैं एक होप है कि अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मैं भी अपने सोहक वापस आ जाएंगे। और मैं तो अब सब पॉजिटिव ही सोच रही हूँ, क्योंकि सब बोलते हैं ना कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। तो मैंने सबसे रिक्वेस्ट करी है कि आप भी सब भी पॉजिटिव सोचो, क्या पता जो हम चाहते हैं वो हो जाए। और हम अपने सोहक के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना, तो बी पॉजिटिव हैव पॉजिटिव। तो बिल्कुल सही कहा आपने, एंड वैसा ही होता है जैसा हम सोचते हैं। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव एंड अच्छा होता है। तो अभी हमें होप बनाए रखनी चाहिए एंड पॉजिटिव सोचना चाहिए। तृप्ति जोशी ने कमेंट किया अब तो किनी भी सोहक की वीडियो बना रही है, लगता है उसे भी लगता है कि सोहक वापस आएगा। तो हाँ गाइस जब से पोस्टर रिलीज हुआ है एंड टीजर रिलीज हुआ है तब से सारे सोहक फैंस सोहक के ही एडिट बना रहे हैं। अरुण पटेल ने कमेंट किया दी सॉन्ग का टीजर आ गया है, आई एम सो हैप्पी, बाद में सॉन्ग भी आएगा। तो हाँ गाइज बस एक दिन ही बचा है। वैशाली तिवारी ने कमेंट किया है पर उन्होंने अपने सॉन्ग के लिए कुछ नहीं कहा है किसी भी वीडियो या रील में, बल्कि हर इंसान को अच्छा लगता है कि उसके सॉन्ग के बारे में बताने में, पर दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा है, बस अपनी पोस्ट की है। बट हम तो विश करेंगे कि दोनों ही साथ में आ जाए। तो हाँ गाइज यहाँ पर ये चीज देखने वाली है कि मोहक एंड सुरभि ने खुद आकर ये कुछ नहीं कहा है कि सॉन्ग आने वाला है, हम बहुत एक्साइटेड हैं, आप लोग सॉन्ग देखना, जैसा कि उन्होंने पहले वाले सॉन्ग में बोला था सुरभि ने अपने व्लॉग में। बट गाइज इस बार कुछ नहीं बोला है। बट यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, इस सॉन्ग के प्रोड्यूसर जो कि आप लोग जानते होंगे विनीत जैन ने, उन्होंने सुरभि की पोस्ट पर कमेंट किया था, तो सुरभि ने इस पर रिप्लाई भी दिया था यस वाला। एंड मुझे लगता है कि सुरभि तो काफी ज्यादा एक्साइटेड है सॉन्ग को लेकर। एंड गाइज मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि मोहक एक्साइटेड नहीं है, बट मुझे अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला है, उन्होंने कुछ शेयर नहीं किया ऐसा, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ कह नहीं सकती। एंड गाइज अब ये देखना होगा कि कल जब सॉन्ग आता है तो ये लोग क्या कहते हैं। गमित ने कमेंट किया प्लीज कम बैक सो, कितना वेट करवाओगे। जूनी ने कमेंट किया है मैम आपकी इंस्टा आईडी क्या है प्लीज बता दो। तो जूनी आपको अबाउट सेक्शन में, जो कि मेरे यूट्यूब का अबाउट सेक्शन है, वहाँ पर आप जाएंगी तो वहाँ पर लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी का, तो वहाँ से आप देख सकती हैं। तो बस गाइज अभी की वीडियो में इतना ही, जितने भी कमेंट थे मैंने शामिल करने की कोशिश की है, नए व्यूवर्स के भी कमेंट मैंने शामिल करने की कोशिश की है, एंड जिनके भी कमेंट्स रह गए हो आई एम सॉरी, मैं सभी कमेंट को शामिल करने की कोशिश करती हूँ बट किसी ना किसी का कमेंट तो छूट ही जाता है। तो डोंट वरी गाइज अगली वीडियो में मैं आप लोगों का कमेंट भी शामिल करने की कोशिश करूंगी। तो अभी की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो से, बाय।